कब तक बैठेंगे अनशन पे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठूंगा, मेरी मौत हो जाएगी, बाप तो घर लाश जाएगी वापस, और या फिर कानून वापस करा के जाऊंगा। कुछ खाते पीते नहीं है? नहीं, वो जांच करा ले, वो डॉक्टरों को भेज के जांच करा ले, पानी भी पीता हूँ, सब कुछ त्याग दिया है, पानी वानी सब त्याग दिए, सब कुछ त्याग दिया। जब तक ये काला बिल कानून वापस नहीं होगा तब तक अनशन पे बैठ रहेंगे आप? अपने डॉक्टरों को भेज करके वो मेरी जाँच करवा ले, कुछ नहीं खाऊंगा। कहाँ से आए हैं आप? बदायूं से आए हैं। 1 बजे से अनशन पे बैठे हैं, और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक अनशन पे बैठे रहेंगे? अनशन पे क्या बैठे रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़ चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। इस वक्त मैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूं, जहां पे काले कानून बिल को लेके किसान कम से कम 43 दिन से डटे हुए हैं। लेकिन मौसम भी इस टाइम तकाजा ले रहा है किसानों का, बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी किसान डटे हुए हैं। ये किसान भाई हैं हमारे, ये आए हैं कहाँ से आए हैं सर आप? बदायूं से आए हैं। इनसे जानकारी लेते हैं किस तरीके से आए, क्यों डटे हुए। क्या नाम है सर आपका? रोम सिंह यादव। रोम सिंह यादव जी, कहाँ से आए आप? बदायूं से आए हैं। ये 3 काले कानून जो बिल हैं इसको लेके आप बैठे हुए, क्या कहना चाह रहे हैं सरकार को, समझे देना चाहते हैं? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये कानून का हमारे सभी किसान देश भर के जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसको वापस ले लें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने इससे फायदा मिलेगा, हमको दिखाई दे रहा है फायदा नहीं मिलेगा, तो उनको आपत्ति के आज अब हमको स्वीकार नहीं है तो वापस ले लें वो। इसमें क्या नुकसान है? क्या नुकसान तो बहुत कुछ है, लेकिन उनको क्या नुकसान है जो वापस लेने को ही तैयार नहीं है, हमसे बात करने को ही तैयार नहीं है। बात करेंगे तो हम बताएंगे हमको ये नुकसान है, वो आएंगे मैदान में, हमसे बात करेंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे, वो हमें बता दें ये फायदा क्या है, इतना फायदा नुकसान। जब मीटिंग हो रही है फिर भी समाधान, जब चोर नहीं है वो चोर है, वो उन्होंने पैसे लेकर के ये किसानों के खिलाफ कानून बनाई है, तो वो कैसे आएंगे? उन्होंने इसी बात की सौदा कर रखी है, पैसे ले लिए उन्होंने, इसलिए आज वो नहीं आते हैं। अगर चोर नहीं है तो मैदान में आ जाएं, कल हम बता देंगे हमारे लिए क्या नुकसान है इन कानूनों से, और वो हमारे लिए बता दें कि तुम्हारे लिए फायदा क्या है। और भी बात है, हमारे देश का जो कानून है बार बार संशोधन कर देते हैं पार्लियामेंट में जाकर के, और जो है हमारे देश का कानून है, मैंने उनके वर्षों से लिख के दे रहा हूँ, मैंने संविधान का संशोधन किया है कि हमारे देश का कानून जो हमारे देशवासियों ने बनाया वो रोजगार भाव से बन गया है, वो न्याय भाव से नहीं है, उससे न्याय नहीं मिल रहा है। आज के दौर में पुलिस प्रशासन के द्वारा जो मुकदमा लिखा जा रहा है वो 99% फर्जी है। मैंने उसमें यह भी लिखा है, उनके लिए दोनों पहलू दिखाए, मैंने ये भी दिखाया है कि व्यक्तिगत जो जनता के मुकदमा है 50% मुकदमा फर्जी अदालत में विचाराधीन है, वो चल रहे हैं, लोग दंडित हो रहे हैं, आज के समय में जेल काट रहे हैं, तो बताओ थाने में FIR लिख जाती है, उसके बाद में बर्बादी शुरू हो जाती है। ऐसा कानून है कि पुलिस को भी पैसा चाहिए, अदालत में पहुंचे तो वकील साहब को भी पैसा चाहिए। बदायूं से रूम सिंह यादव नाम है मेरा, मैंने जंतर मंत्र पर जो है